Hi guys, I hope you all are doing good. So, in this video, we are going to learn about evaluation in higher education. As you know, it's a part of teaching aptitude of UGCNET syllabus. And this video is going to be a little long, so you'll have to be a little patient. We are going to cover summative, formative, choice based credit evaluation, computer based testing, and many, many more. Okay? So, be a little patient, and I promise you by the end of the video, you're going to ace all of these so i'm dr priyanka and you can know more about me from the description given below and if you're new to the channel please subscribe and hit on the fat bell icon to get more future updates so let's get started so before beginning humko ye pata hona ki evaluation hoti kya hai so evaluation is the process of making judgments based on evidences and interpretations gathered through examination and assessment ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीड अपॉन क्राइटेरिया। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन की एवेलुएशन तब होती है जब कोई कोर्स बच्चा करता है उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एक सेट क्राइटेरिया जो एग्जामिनर्स होते हैं या जो भी करिकुलम फ्रेम करते हैं वो एक सेट क्राइटेरिया रूब्रिक्स बनाते हैं कि बच्चे ने कितना उसको सीखा राइट right? उसे इवेलुएशन कहा जाता है और किसी भी बच्चे को इवेलुएट करने से पहले एविडेंस होना चाहिए अगर किसी के 90 परसेंट आए हैं तो उसके पास पेपर्स असेसमेंट्स और मार्कशीट्स होनी चाहिए जिससे कि हमारे पास एविडेंस हो दैट वी हैव इवेलुएटेड हिम प्रॉपरली एलिमेंट्स क्या है इवेलुएशन के ऑडियंस ऑडियंस यहाँ पे है कि स्टूडेंट्स या फिर लर्नर्स इवेलुएशन करने के लिए हमें लर्नर्स चाहिए जिनको हम ऑडियंस बोलते हैं पर्पस पर्पस क्या है बैचलर्स है तो बैचलर्स उसने पास किया मास्टर्स है तो क्या उसने मास्टर्स को अच्छे से पास किया? सो फॉर एवरी एग्जाम देर इज अ पर्पस क्वेश्चंस अब इवेलुएट करने के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्ट फ्रेमवर्क क्या होगा कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे सो ऑल ऑफ दिस स्कोप क्या है स्कोप ये है कि जो उसने पढ़ा उससे उसको आगे जाके क्या फ़ायदा होगा क्या मिलेगा जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर बैचलर्स की डिग्री उसने ली है तो उसका बैचलर्स लाइफ के कौन कौन से एस्पेक्ट में यूज़ हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने बी आर्ट्स किया है और जैसे इंटीग्रेटेड बी ए बी एड कर लिया है तो उसका स्कोप ये है कि वो आगे जाके स्कूल्स में एज अ टीचर अप्लाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड उन्होंने टी सी टेट या फिर टी ई टी या पी टेट जो भी स्टेट लेवल टीचिंग एग्जामिनेशनस हैं वो उन्होंने पास uh, कर लिए तो रिसोर्सेस मतलब कि हमने जो इवेलुएशन करनी है क्या उसको करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं डू वी हैव एग्जामिनर्स डू वी हैव इनफ फैकल्टी डो वी हैव स्टूडेंट्स इनफ एंड वॉट ऑल ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड सो ये होते हैं एलिमेंट्स नाउ लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ एवेलुएशन फर्स्ट इज फॉर्मेटिव इवेलुएशन फॉर्मेटिव एवेलुएशन रेफर्स टू कॉन्टिन्यूस एवेलुएशन विद द हेल्प ऑफ यूनिट टेस्ट क्लास टेस्ट असाइनमेंट्स सो ये होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल की बात करें या कॉलेज की ही बात करें तो आपके यूनिट टेस्ट होते रहते हैं या फिर एकदम जिसको कहते हैं सरप्राइज टेस्ट हो जाते हैं या आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं सो so, बेसिकली वो क्या होता है वो टर्म या सेमेस्टर के बीच में होता है जिससे कि टीचर असेस कर पाएँ कि आपके क्या वीक पॉइंट हैं क्या स्ट्रेंथ है और वो आपको फीडबैक दें ताकि आप उन्हें इम्प्रूव करें सो फॉर्मेटिव इवेलुएशन प्रोवाइड्स कॉन्टीन्यूअस फीडबैक टू बोथ लर्नर्स एंड टीचर्स इट ऑल्सो फोकसेस ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो टू डायग्नोज वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स ओके सो लेट्स गेट टू समेटिव इवेल्यूएशन इट इज मेनली डन एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन प्राइमरीली फोकस ऑन मेजरमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट इट रेफर्स टू मेकिंग जजमेंट्स अबाउट अ कम्प्लीटेड और फिनिश प्रोसेस सो आप फॉर एग्जाम्पल स्कूल की बात करें तो लास्ट में जो फाइनल टर्म होती है ना वो एग्जाम्पल है समेटिव इवेलुएशन का राइट right? तो जो हमारा फाइनल सेमेस्टर होता है सो दैट इज अ काइंड ऑफ समेटिव इवेलुएशन ओके इसका जो एम है वो सिर्फ ये है कि बच्चे की अचीवमेंट या परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाए यहां पे फीडबैक नहीं दिया जाता बिकॉज कोर्स ओवर हो चुका है जजमेंट्स दी जा चुकी हैं, फॉर्मेटिव में फीडबैक्स दिए जाते थे एग्जाम्पल है फाइनल टर्म एग्जामिनेशन क्लास टेस्ट यूनिट टेस्ट ग्रुप डिस्कशन आर अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव इवेलुएशन वेर एज एनुअल टेस्ट या फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होती है वो समेटिव इवेलुएशन की एग्जाम्पल है आई होप आपको फॉर्मेटिव और समेटिव के बीच में डिफरेंस पता चल गया है सो so, अब आते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग अब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स अ टाइप ऑफ इवेलुएशन जहाँ पे कोर्स शुरू होने से पहले जो आपके टीचर्स होते हैं या प्रोफेसर्स होते हैं वो एक सेट क्राइटेरिया रख लेते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बोला कि 35 परसेंट बच्चे के आने चाहिए तो जो आपके जो नंबर्स आए उनका बाकी बच्चों के स्कोर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा और बाकी बच्चों के स्कोर्स का आपके मार्क्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा राइट सो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आर डिज़ाइन टू असेस स्टूडेंट्स अचीवमेंट अगेंस्ट अ सेट क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल हमने क्राइटेरिया लगा दिया कि भाई फोर्टी परसेंट आने चाहिए थ्योरी में और प्रैक्टिकल उनका पास हो जाना चाहिए सो वी हैव ऑलरेडी सेट दिस क्राइटीरिया द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट डज नॉट इम्पैक्ट मैंने आपको भी समझाया हैस ये क्या है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस दे आर ओनली बॉर्ड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल किसी के सेवेंटी फाइव मार्क्स आए हैं तो उसको सेवेंटी फाइव परसेंट दे दे दी जाती है नाउ लेट्स कम टू नॉम रेफरेंस टेस्टिंग ओके सो दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे की परफॉर्मेंस जो होती है वो इम्पैक्ट होती है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दी अदर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस आप कन्फ्यूज मत हो फॉर एग्जाम्पल हम नीट का एग्जाम्पल लेते हैं या कैट का जो एम बी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी बात करें नेट की बात करें नेट में नॉम रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग दोनों होती हैं सो so यहाँ पर क्या होता है सेट नंबर ऑफ सीट्स होती हैं तो जॉन से बच्चे फर्स्ट आए या सेकेंड आए तो डेफिनेटली उनकी वजह से क्या हो गया कि बाकियों को नुकसान हो गया राइट क्यों क्योंकि इट इज़ नॉट की क्राइटेरिया नहीं है कि 50 परसेंट आने चाहिए या 60 परसेंट आने चाहिए वो कह रहे हैं कि हमारे पास सीट्स इतनी अवेलेबल हैं सो बेशक आपके 90 परसेंट आए हों राइट और उनकी जो कट ऑफ वेटेज है वो 90.1 पे है तो ऑब्वियसली देर इज नो डिफरेंस आपका कोई कसूर नहीं है आपने इंटी परसेंट आप ले आए हो लेकिन जस्ट बिकॉज दैट अदर चाइल्ड गेट्स नाइन्टी पॉइंट वन या नाइन्टी पॉइंट टू क्योंकि जितने जितने सी ए, टेस्ट होते हैं उतनी ज़्यादा जो मार्जिन हैं वो कम होती हैं सो so, उसके स्कोर की वजह से आप पीछे रह गए राइट सो दिस इज बेसिक अ ब्रैकेट ऑफ वॉट नॉम रेफरेंस टेस्टिंग इज सो दे रेफर टू स्टैंडर्डाइज टेस्ट आप जब रिसर्च एप्टीट्यूड करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है वो टेस्ट ऐसे होता है कि वो कहीं पे भी अप्लाई हो तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं इट्स अ वेरी रिलायबल एंड यू वैलिड टेस्ट रिलायबिलिटी वैलिडिटी आर अगेन टर्म्स ऑफ रिसर्च तो अभी मैं नहीं करूँगी बस आपको इतना बता सकती हूँ कि एक क्लास टेस्ट या फिर एक टर्म टेस्ट स्कूल में या फिर कॉलेज लेवल पर वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को अप्लाई होता है वेर एज स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं उनका ये पर्पज होता है कि वो ओवरऑल कहीं से भी बच्चे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हों उनके ऊपर अगर अप्लाई होगा तो डैट इज गोइंग टू ब्रिंग इक्वलाइज रिजल्ट फॉर ऑल ओके दे आर डिजाइंग टू कंपेयर एंड रैंक लर्नर्स और टेस्ट टेकर्स इन रिलेशन टू वन एंड अदर द रिजल्ट शो वेदर टेस्ट टेकअ परफॉर्म्ड बेटर और वर्स दिन अटिकली कैलकुलेटेड एवरेज स्कोर

स्टैंडाइज स्कोर क्या है जो जिन्होंने कॉन्स्ट्रक्ट किया है उन्होंने स्टैंडर्ड नॉर्म्स बना दिए हैं उस तो आपका जो रॉ स्कोर है वो उसके साथ कंपेयर होता है राइट right? तो यही किसी और का रॉ स्कोर स्टैंडर्डाइज टेस्ट के साथ मैच कर रहा है तो वो ही विल गेट द सीट वेरज इफ योर रॉ स्कोर इज नॉट मैचिंग टू द स्टैंडर्डाइज टेस्ट को यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड ओके सो इनको पर्सेंटाइल रैंकिंग भी बोली जाती है नाउ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सी बी सी एस इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू जी सी नेट बिकॉज जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में बात हुई है और ये जो है ये बहुत फिट बैठता है उस पैटर्न पे एंड दिस इज़ बी फॉलोड इन मेनी हायर इंस्टीट्यूशन लाइक आई आई टीज आई आई एम्स एंड बट दे आर थिंिंकिंग टू गेट इड टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल ऑल्सो now what इट is इट is अ स्टूडेंट सेंट्रिक approach फॉर higher एजुकेशन the स्टूडेंट्स हैव the flexibility टू choose their कोर्स from अ लिस्ट ऑफ कोर इलेक्टिव एंड फाउंडेशन कोर्स अगर आप किसी कोर्स में जाते हो तो आपको तीन तरह के सब्जेक्ट्स मिलते हैं एक होता है कोर एक होता है इलेक्टिव और एक होता है फाउंडेशन ठीक है क्रेडिट क्या है यहाँ पे जो मार्क्स की जगह क्रेडिट वर्ड यूज़ होता है क्रेडिट यूनिट ऑफ मेजर ऑफ कोर्स वर्क इच कोर्स में भी अलॉटेड क्रेडिट्स इन प्रोपोर्शन टू द टाइम एक्सपेक्टेड टू बी डिवोटेड बाई द स्टूडेंट्स फॉर दैट कोर्स मैनी यूनिवर्सिटीज दे आर फॉलोइंग इट द क्रेडिट बेस्ड सिस्टम तो आपने एक क्लास के अंदर कितना टाइम स्पेंड किया और आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी उसे कहा जाता है क्रेडिट द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम opens अप many अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न एंड एक्सप्लोर नॉट ओनली द सब्जेक्ट ऑफ their चॉइस बट बियॉन्ड सो NEP 2020 ने ये इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉर एग्जाम्पल कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है और उसका रुझाव इकोनमिक्स की तरफ भी है तो वो ऐसे भी पढ़ सकता है कोर फाउंडेशन या इलेक्टिव कोर्सेज के बीच में उसको जज करके कि उसे कौन सा सब्जेक्ट कोर में पढ़ना है कौन सा फाउंडेशन में और कौन सा इलेक्टिव में हाउएवर ऐसा पहले नहीं होता था अगर किसी ने मेडिकल लाइन चूज कर ली तो उसे मेडिकल के ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे दट अभी द गवमेंट इज सेम्प्लीमेंट दिस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इससे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो आराम से की जा सकेगी इन द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट एज इट इज अ स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच दीज कोर्सेज कैन फर्दर बी इवेलुएटेड थ्रू ग्रेडिंग सिस्टम अब क्या है कि मार्क्स जो है वो बच्चों को एग्जैक्टली exactly नहीं दिए जाएंगे जो उनके मार्क्स हैं उनको ग्रेड में कन्वर्ट किया जाएगा विच इज कॉन्सिडर्ड टू बी बेटर देन एज ओल्ड मार्किंग सिस्टम इफ अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड स्टैंडर्डाइज का मतलब वो जो एक्चुअली में रिसर्च है और वो कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है जो आपके यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं डेफिनेटली वो आप किसी और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में नहीं दे सकते हो बिकॉज दैट इज़ फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस बाई योर ओन प्रोफेसर ओनली फॉर दैट डिपार्टमेंट हाउ एवर स्टैंडर्डाइज वो चीज़ है जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में जो सिमिलर क्राइटेरिया पे चलते हैं वहाँ पे सेम टेस्ट अप्लाई हो सकता है सो so, अगर ग्रेडिंग सिस्टम यूनिफॉर्म है स्टैंडर्डाइज है सो द सेम ग्रेड्स कैन बी अप्लाइड और द सेम ग्रेड्स कैन बी एक्सेप्टेड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशंस सो अगर एक बच्चे ने दूसरे इंस्टीट्यूशन से कहीं और मूव करना है या फिर ही हैज़ टू मूव आउट ऑफ द कंट्री तो जो उसका सी जी पी स्कोर है ये जो बेसिकली क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज बोलेंगे मतलब उसके वेरियस सब्जेक्ट में जो ग्रेड्स हैं उन्हें क्यूमुलेट करके मतलब उनको सम्मेट करके ऐड करके जो ग्रेड्स आएंगे उससे बच्चा जो है वो दूसरे इंस्टीट्यूशंस में इजिली जा पाएगा विराइ पहले जो था ये इश्यूज आते थे अब अगर ये एक्चुअली में अप्लाई हो जाता है और स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स फॉलो होते हैं सो ईजिली बच्चे कर पाएंगे इंटरचेंज

क्वेस्स कंप्यूटर ने आपको दिए आपने मार्क किया और उसके पास ऑलरेडी की फेड है आंसर की फेड है सो कंप्यूटर ने कैलकुलेट करके आपका रिजल्ट निकाल दिया बिना पेन एंड पेपर के यूज के एंड इवन विदाउट द इन्फ्लुएंस और विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एडुकेटर्स बिकॉज द स्टैंडर्डाइज की हैज़ ऑलरेडी बिन फेड एंड द कंप्यूटर हैज़ मार्क्ट यू अकॉर्डिंग टू द की so almost all major exams entrance exam are depending on CBT uh, so as to make their assessment procedure fast smooth and accurate fast फास्ट होता है डेफिनेटली जब एग्जामिनर्स को देख एक मार्क करेंगे तो वो बहुत टाइम लेगा एंड सो so, ये स्मूद होता है और यहाँ पे कोई बायस भी नहीं हो पाता सी बी टी हैज़ इमर्ज एज वन ऑफ द रिसेंट इनोवेटिव अप्रोचेज टू असेसमेंट इट इज़ लॉडेड फॉर हैविंग चीपर एंड स्पीडियर टेस्ट असेसमेंट्स एंड इज ऑल्सो सीन एज एवेन्यू फॉर बेटर एक्सेसिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स विद डिबिलिटीज़ फॉर एग्जाम्पल ये चीप है बिकॉज ह्यूमन रिसोसिस जो हैं वो इतने ज़्यादा यू नो यूज़ नहीं होंगे कंप्यूटर ही सारे काम कर लेगा तेजी से काम होंगे और ऑल्सो नो पीपल हु आर स्पेशली एबल्ड या फिर जिनको कोई डिसेबिलिटी है वो घर बैठे बैठे बिना यू नो परेशान हुए uh, ट्रैवल किए किसी को अगर लेग की प्रॉब्लम है सो ऑब्वियसली दे हैव इश्यूज ट्रेवलिंग और इवन पीपल यू नो हु आर डिसेबल इन अदर वेज वो इजीली अपने टेस्ट दे पाएंगे घर बैठे बैठे दी ओनली रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी एन इंटरनेट कनेक्शन एंड अ लैपटॉप सो वॉट आर अदर टाइप ऑफ टेस्ट्स डायग्नोस्टिक टेस्ट्स और इवेल्युएशन यहाँ पे स्पेशली डायग्नोस किया जाता है सपोज एक बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको हम टेस्ट देते हैं देखने के लिए कि उसकी इश्यू क्या है और कहाँ आ रही है ताकि उस वीकनेस को ओवरकम किया जा सके प्रोग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टेस्ट इन ऑर्डर टू डिपेक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ अ लर्नर फ्यूचर में वो बच्चा किस तरह परफॉर्म कर सकता है या कैसे करेगा उसे कहा जाता है प्रोग्नोस्टिक टेस्ट इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं बेसिकली मल्टीपल चॉइस में सो दैट इज द रीज़न वाई वी आर डूइंग एप्टीट्यूड टेस्ट द वेरी फर्स्ट यू नो कोर्स आई डिड विद यू द फर्स्ट वीडियो आई डिड ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें बताया था आपको कि एप्टीट्यूड क्या होता है सो so ये कंडक्ट uh, किया जाता है जानने के लिए कि बच्चे का या कैंडिडेट का पोटेंशियल एबिलिटी नॉलेज और स्किल्स एक पर्टिकुलर प्रोफेशन uh, के लिए है या नहीं है उसका रुझाव किस तरफ है या स्किल्स और कैपेबिलिटी uh, किस तरफ है दिस इज़ टोल्ड बाय एप्टीट्यूड टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट क्या है इट रेफर्स टू टेस्ट स्किल्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इन अ सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल स्कूल के आपको एग्जाम्पल देती हूँ uh, या इवन आपके कॉलेज का टीचर ने कोई कोर्स पढ़ाया टीचर ने कोई कंटेंट पढ़ाया और उसके बाद उसका एक एग्ज़ाम लिया टेस्ट लिया देखा कि आपने कितना अचीव किया है सो दिस इज सिंपल अचीवमेंट टेस्ट ओके नाउ प्रोफिशियंसी टेस्ट नाउ दीज टेस्ट एम टू असेस द एक्सपर्टीज और एबिलिटी ऑफ अ लर्नर एट अ गिवन टाइम आपने इंग्लिश प्रोफिशियंसी टेस्ट का नाम सुना होगा या लैंग्वेज प्रोफिशियंसी टेस्ट जैसे कि आई एल्स और टॉफिल यू नो कंडक्ट करते हैं उसमें देखा जाता है कि आप एक पर्टिकुलर स्किल में या किसी कोर्स में या लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो या नहीं हो अगर एक्सपर्ट हो सो यू आर गिवन अ गो हैड एंड अगर उनको लगता है कि नहीं आपकी मीडियम नॉलेज है और आप अभी भी एक्सपर्ट नहीं हो प्रोफिशेंट नहीं हो सो दे डिक्लेयर यू एज फेल सो आई होप ऑल दीज टेस्ट वर क्लियर टू यू एंड इफ यू हैव एनी इशूज यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन आई विल भी वेरी हैप्पी टू आंसर दैम एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब Please subscribe. I'll be doing lots of videos on UGCnet and uh, on English communication skills. And uh, please take very good care of yourselves and keep smiling. Till I see you next.